राइट कैसे ये लोग? आइए सर, वेलकम। हां कैसे हो? हेलो, कैसे हो आप सर? कूल। वेलकम सर। वेलकम टू सावित्री इवेंट सर। थैंक यू, आई जस्ट सो हैप्पी टू हैव यू। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आपका आशीर्वाद चाहिए? नहीं, आपका आशीर्वाद से समझ रहा हूँ। वेरी नाइस। उससे पहले जो प्रोजेक्ट वो ये शेयरिंग सुबह सुबह अगर एक अच्छा साहित्य हम शेयर करें हमारे वेलविशर्स के साथ और एक कुछ एलिवेटिंग मीनिंगफुल एक्सपीरियंस हो उनको, तो वो विचार कैसा है? तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और मैंने कुछ अच्छी कविताओं से शुरुआत की और उसका रिसेप्शन इतना अच्छा था कि फिर हमने इस इनिशिएटिव को फॉर्मलाइज किया और गौरांग बेसिकली और मैं, हम दोनों ने इसको लीड किया और बीच में केवल आए और कुछ अलग अलग फ्रेंड्स आए जिन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया और हमें पता नहीं था कि ये प्रोजेक्ट इतना कल्बिनेट होगा कि चार साल के अंदर हमने तकरीबन 700 जैसे ऐसे पोस्ट कार्ड्स जिसमें अच्छा साहित्य है गुजराती भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, उसको हमने सोशल मीडिया के माध्यम से डिसेमिनेट किया और समिति का ये जो एफर्ट है उसको सराहा गया इस तरह से। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने एक कैटेगरी बनाई और इस कैटेगरी में साहित्य के लिए पहली बार ऐसा कोई उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया है। तो इस पूरी जो उपलब्धि है उसको हम अब फिलहाल तो इस बक्से में है वो, और हम चाहते हैं कि वो बक्सा आप हमारे लिए ओपन करें। पर उससे पहले मैं चाहूँगी फिल्म समिति अगर आपसे थोड़ा बात करना चाहे, जैसे गौरांग ने ये पूरा इनिशिएटिव डिज़ाइन भी किया है तो वो थोड़ा अपना इनपुट दे सकते हैं, नॉन नेत्रा पुलिन भी शेयर कर सकते हैं, अल्टीमेटली पा भी कुछ कहेंगे और फिर हम इसको। Yes, अभी पहले बिफोर इट बिकम फॉर्मल द शेयरिंग शाइन प्रोजेक्ट, दर्शनी ऑलरेडी स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। फिर हमको लगा कि हम इसको एक फॉर्मेलिटी कर दें और एक प्रोजेक्ट के तरीके से करें तो उसका हम रीच बढ़ा सकते हैं, इट कैन बिकम गो मोर टू मोर वाइडर ऑडियंस। सो देन वी हैड अ मीटिंग एंड देन वी इनिशिएटेड इट एज अ प्रोजेक्ट ओनली एंड वी स्टार्टेड इट एंड देन शी यूज्ड टू गिव मी द इनिशियल फीड्स ऑफ पोएम्स एंड यू नो कोट्स एंड दैट and from there we designed those postcards as our own, giving it a unique style and unique uniqueness to it, and then started posting it on the social media. Right. And the idea was to wake, to start everybody's morning with a good, you know, with a very positive note. Yeah, yeah. That was the basic idea. So initially we did very creative work, then slowly we went into more sober and more, you know, niche kind of content. और हमने गुजराती पोएट्स से लेके हिंदी पोएट्स, इंग्लिश लिटरेचर, वी हैव कवर्ड ऑल थ्री लैंग्वेजेस इन अ वेरी वाइड वे सो दैट ऑल द ऑडियंसेस कैन बी टैग्ड विद दिस पोस्ट। सो ओवर दीस 3.5 इयर्स वी डिड ऑलमोस्ट 700 पोस्टकार्ड्स एंड दिस इज व्हाट वी हैव देखे। मैंने कई सारे मैंने भी देखे बाद में तो लेटली। और इसमें एक मजे की बात क्या होती थी कि समिति ने रिलीज किया हुआ पोस्टकार्ड घूम फिर के मेरे पास आता था कि दर्शनी ये पढ़ कितना अच्छा है तो कहाँ कहाँ से आता था, तो मुझे मजा आती थी कि अच्छा अच्छा ये अच्छी कहानी अच्छी बात है। डिजाइनेशन अच्छा हो जाता है। हाँ, तो मतलब जब मेरे एक्वेंटेंसेस में से कहीं से आता है वो मेरे पास कि तेरे लायक है, मजा आएगा तुझे पढ़, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि लोग पढ़ रहे हैं और लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं और लोग फिर सब्सिक्वेंटली अपने अपने ग्रुप्स में भी उसको
शेयर करने के लिए सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के नाम पे तो इस तरह से काफी एक लाइकिंग बन गई इस प्रोजेक्ट की। और फिर स्पेशली हमने जब लाल देव की सीरीज चलाई थी तो वो भी बहुत अच्छे से रिसीव हुई। तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ ये प्रोजेक्ट इतना कॉम्बिनेशन वो एक पॉइंट पर किया होता। फिर हमने लास्ट में किया पोएट्री फेस्टिवल किया एंड वी रिलीज्ड हर 146 वर्क्स। पर उससे पहले हम थोड़ा क्रिएटिव रहते थे, मतलब क्या होगा आज पीपल यूज्ड टू वेट कि आज कौन सी पोस्ट आएगी, आज कौन सी कविता आएगी, आज कौन सा विचार आएगा। और गौरव ने बहुत ही अच्छे से कंसीव किया उसको पूरा डिजाइनिंग के लेवल। सो एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस हुआ कि अच्छी साहित्य की रचनाएं हमने दी उसको और उसने उसको अच्छे से कंसीव करके और एक ज्यादा क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन दिया। तो उसकी वजह से बहुत मजा आया सर ये प्रोजेक्ट करने में। और ये हमारा कंटेंट भी अच्छा है और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। और क्या फायदा, ये हमारा थोड़ा वो शांत सा बच्चा है, जैसे शेयरिंग स्टोरी है ना वो बहुत आवाज करता है मीडिया में इधर उधर लोगों को बार बार, पर ये जो है वो साइलेंटली अपना काम किया इसने और ये इनिशिएटिव यहाँ तक ग्रो कर गया। अब हम सोच रहे हैं कि इसको कुछ नए बेटर वर्जन में कंसीव करके और इसको इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ सोचें और अच्छी रचनाएं जो हैं उनको हम व्यापक समाज में वितरित करना है। ठीक है, एक काफी पॉजिटिव वो हो जाता है ना, जैसे जितने दुनिया भर के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं इधर उधर के, उसकी जगह एक डिफरेंट वो जो गेनर हो जाता है बिल्कुल कि भाई आप साहित्य की बात कर रहे हैं, अच्छे साहित्य की बात कर रहे हैं, अच्छे विचारों की बात कर रहे हैं, दैट आई थिंक इज वेरी वेलकम, बहुत बढ़िया। तो नेत्रा वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, वैसे तो बहुत ही आनंद हो रहा है। मैंने पुरानी मतलब पहले से जो रिलीज हुई है शहरिन शाहीन वो देखी है, पर लाल देव की कविता उसको जरा नजदीक से देखा और बहुत ही अच्छा लगा। सुबह की तो मैंने सारी देखी एक के बाद एक, कि लुक फॉरवर्ड टू इट, कि हाँ भाई अभी और कितने उनके जो थॉट्स हैं अमेजिंग। और डे टू डे लाइफ में से उन्होंने जो जो उठाया है तो सिंपल सी चीज अपने को लग सकती है, उससे कितना कितना सारा इतना सारा साथ निकाल सकते हैं। सही सही बात है, बिल्कुल वेरी नाइस। लिटरेचर दैट्स द पॉइंट। माय पॉइंट इज दैट being a writer I always write literature, wherever literature is being, my literary activities are done in a nice way, organized way, yeah. It's fine. So मैं जब ज्वाइन हुआ ना सर तो मुझे यही बात पर कहने को कहा गया कि आप कहिए कि शॉर्ट स्टोरी क्या है वगैरह वगैरह। बाद में मैंने लर्न किया कि ये लोग भी शॉर्ट स्टोरी का शेयरिंग कर रहे हैं, तो मैं दो तीन सभाओं में भी गया जो आप लोग क्या कहते हैं साहित्य मित्रा के साथ। तो मैंने देखा कि ये समाज के ऐसे स्तर पर ये बातें सब फैल रही है लिटरेचर की, जो इंस्टीट्यूशन कर सकती है वो इंस्टीट्यूशन आजकल नहीं करती है। तो एक हो रहा है मेरे लिए बहुत बड़ी बात कि लिटरेचर है और उसको समाज के ऐसे स्तर पर ले जा रहे हैं जिसको अभी कुछ पता ही नहीं है, लेकिन पता चलने के बाद दे आर इंस्पायर लाइक एनीथिंग। तो ये जो स्प्रेड हो रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एनलाइटनमेंट इन्वॉल्वमेंट और जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन उनको मिलता है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं और क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई लिटरेचर हम क्रिएट करते हैं, डिस्कस करते हैं, दैट्स ऑल इन यूनिवर्सिटीज इन कॉलेजेस, बट व्हाट इज द अबाउट द स्प्रेड, इट्स नॉट बीन गुड। और बहुत ही नैरो फोकस रह जाता है, जो लोग इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी साहित्य के बारे में काफी कुछ जानते हैं वही वो करते रहते हैं। और जो लर्नेड पीपल जिसे कहते हैं शिक्षित समाज कहते हैं, ये लोग तो पढ़ते ही नहीं, ये लोगों को ध्यान ही नहीं रहा, अभी टीवी सीरियल एक्सेट्रा में मीडिया में चले गए हैं, लेकिन देर आर लार्जर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हु नीड्स लिटरेचर एंड इट इज बीइंग डन बाय दिस संविति ग्रुप। संविति नेम इटसेल्फ इज अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस ऑलवेज वर्क्स टू जॉइन वन कॉन्शियसनेस टू अदर कॉन्शियसनेस लाइक दैट, इट इज स्प्रेड लाइक दैट। और अभी ये जो अवार्ड मिला तो ये लोगों की तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी, जब इतना हार्ड वर्क करने के बाद
यस इट वाज अ डिफिकल्ट फैक्टर ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइज सिंपल सा काम हो जिसको आप कर लो वो वाली बात नहीं थी ना समथिंग वेरी अनयूजुअल यू नो एक्सेप्शनल था तो उसमें फिर और मजा आता है कि भाई करके अपन इस पॉइंट तक पहुंच पाए कि जहां उसको दूसरे लोग भी रिकॉग्नाइज कर रहे सो आई थिंक दैट्स द फैक्टर मैंने उसी टाइम पर मेरी कॉलम में लिखा था मैं चाहता हूँ कॉलम लिखता था ये सारे इवेंट के लिए लिखा समिति के लिए लिखा और उसमें मैंने एक बात बताई कि ये जो स्प्रेड हो रहा है प्रसार हो रहा है वो गुजरात व्यापी हो जाएगा और समिति को इधर इधर वहाँ सभी जगह पर काम करना पड़ेगा तो नाउ इट इज द बिगिनिंग एंड दिस रिकॉग्निशन सेज दैट इट इज द फर्स्ट रिकॉग्निशन and there will be so many I'm sure Gaurav would add to this they were struggling to identify this ko kaise place kiya jaye records yeah and Gaurav helped them to reach conceptual clarity about the work that we are doing so we realized that you know such big institutions who are there to recognize some good work of the society are not informed about the possibility in these domains right and then finally they settled with something and you know we could reach to some conclusion with them और सर वैसे हैं साइंटिस्ट पर उनको साहित्य और फिलोसफी में गहरी दिलचस्पी है और समिति की पूरी जो भी प्रवृत्तियां हैं उसके साथ बड़े दिल से जुड़े हुए हैं तो बहुत खुशी की बात है कुछ तो कुछ नहीं हो पाता है पर जितना हो सकता है नहीं कोशिश करते हैं सो ही हैज बीन अ ग्रेट नर्चरर टू समिति एंड समिति को सही स्पिरिट से उन्होंने समझा है और उन्होंने उत्तेजना दी है तो मैं सर आपसे अनुरोध करूंगी कि एक हमारा शेयरिंग स्टोरी का शेरी शाइन का एक पोस्ट कार्ड है वो अगर आप पढ़ें तो हम उसको रिकॉर्ड करना चाहेंगे और फिर हम इसको ओपन श्रीजीत हम सर का रेसिटेशन जो है दिस वाज रिलीज्ड इन 2019 ऑलराइट प्रोबेबली दिसंबर इट सीम्स एंड हरिवंश राय बच्चन का ये काव्य है ओके पढ़े हम जी सर अच्छे से जरूरत नहीं वैसे काफी बड़े हुए आक्षितिज फैली हुई मिट्टी निरंतर पूछती है आक्षितिज फैली हुई मिट्टी निरंतर पूछती है कब कटेगा बोल तेरी चेतना का शांत और तू हो लीन में फिर बनेगा शांत कौन मिलना तो नहीं है कौन मिलना तो नहीं है गगन की निर्बंध बहती वायु पृथ्वी पर पूछती है क्या हुआ क्लिप लॉस्ट कनेक्शन गगन से पहले हाँ ठीक है गगन की निर्बंध बहती वायु पृथ्वी पर पूछती है कब गिरेगी टूट तेरी देह की दीवार और तू हो लीन मुझ में फिर बनेगा मुक्त कौन मिलना तो नहीं है कौन मिलना तो नहीं है सर्वव्यापी विश्व का व्यक्तित्व प्रतिक्षण पूछता है कब मिटेगा बोल तेरे अहम का अभिमान और तू हो लीन मुझ में फिर बनेगा पूर्ण कौन मिलना तो नहीं है कौन मिलना तो नहीं है बहुत सुंदर बहुत सुंदर पैसे दिए request sir to do the orders Neha will be necessary jaise tumko khulwana ho waise bolo hum to nahi to phad denge aapke ha okay hum bahut khush hain sir aap isko hamare liye khol rahe hain ye lijiye zyada khushi mujhe hai आप क्या महसूस कर रहे हैं सर अभी बहुत अच्छा लग रहा है इतना अच्छा रिकॉग्निशन है आपको काम भी उतना ही अच्छा है उससे अच्छा है आई एम डिलाइटेड दैट आई एम डूइंग दिस Wow, very nice.
वेरी नाइस यस क्या क्या जाए आपको पहना दिया जाए आपको पहना दिया नहीं हमें नहीं पहना ना क्या होता है तुम्हारा हम आपको पहनना चाहेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं होता है हम तो केवल ओपन कर रहे हैं इसको अब ये देखो आ जाइए और आप सोचा आ जाइए ये था ये लीजिए आप इसको भी पढ़ा भी जाए क्या लिखा है पहला फोटो हाँ सर पढ़ेंगे उसको ये और ये हमारी खुशी के लिए आप खुश अरे सही नहीं आप समिति के ऐसा करते हैं साहब मैं आपको पहना था हाँ। मैं खोल नहीं मुझे नहीं पहनना हम उनको पहनेंगे सुबह आपको पहना देते हैं ब्यूटीफुल एंड नाउ लेट मी लीव दिस थैंक यू सो मच India Book of Records Certificate Maximum Literary Posts by an NGO The record for disseminating the maximum number of literary posts on social media was set by the Samriddhi Foundation of Vadodara Gujarat The foundation initiated sharing Shine in 2018 and disseminated 700 high quality literary and creative quotes versus short text in Hindi English and Gujarati languages through social media platforms like WhatsApp Facebook Instagram and Twitter from January 2018 to September 12, 2021, has confirmed on October 18, 2021. Very nice. Congratulations. Thank you, sir. Thank you so much. एक सर का फोटो ऐसे लेके। ले होगा जैसे लेना ले। Thank you. बहुत हैवी है Okay. Oh, yeah, Thank you.
यहाँ से चश्मा लो, चश्मा गिर जाएगा, सही कर दो इसको और आइए। हाँ जी,